रोहतक विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार मनीष ग्रोवर ने हवन में आहुति देकर किया अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ। हवन में सांसद अरविंद शर्मा, शमशेर खरकड़ा, धर्मपाल मकड़ोली, घड़ी सांपला, किलोई के सतीश नांदल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने नेताओं से अरविंद शर्मा जी, हमारे मनमोहन जी, हमारे सतीश नांदल जी, शमशेर खरकड़ा जी, रामधार वाल्मीकि जी और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं ने और जनता ने आज इस कार्यालय में हवन के द्वारा इस चुनाव कार्यालय का आज शुभारंभ किया है और यहाँ से आशीर्वाद लेकर जनता के बीच में यहाँ से जाएंगे। उसके बाद मुझे आशा है कि जनता जिसने 2014 में मुझे आशीर्वाद दिया, मेयर का आशीर्वाद दिया, पार्लियामेंट का आशीर्वाद दिया और इस बार विधानसभा की चारों सीटों में भारतीय जनता पार्टी को इस बार आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। दल है, उन्होंने आना है, घर थोड़ा बैठना है, परंतु अपना हमने अपना काम करना, उन्होंने हमने जनता का प्यार, जनता का स्नेह उन्होंने लूटना है, हमने जनता से प्यार, हमने सेवा करना। अभी आज एक कार्यालय का उद्घाटन है, उसके बाद जो भी तय होगा उसके आपकी प्रेस मीडिया द्वारा नॉमिनेशन कब तक करेंगे? 4 तारीख। एक 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 मंत्री जी, आप सरकार हैं, तो जिस तरह से जो पुरानी की समस्या है पुरानी जगह, उसका क्या प्रबंध अब चंद्र जी मैं चुनाव की तरफ बढ़ रहा हूँ, अब चुनाव है जनता के बीच में, इस सवाल अभी मेरे अधिकारी उपायुक्त यहाँ के PS CM वो इस बात को बता सकते हैं। मैं अब पब्लिक के बीच में हूँ, एक पब्लिक का कार्यकर्ता नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाते जनता के बीच में हूँ, क्योंकि चुनाव ऐसी शिक्षण है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और PS CM इस बात का ये बात। अर्थ प्रकाश के लिए रोहतक से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।